जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और सभी का स्वागत है। आज के दिन एक बार फिर से इस वीडियो में बात होगी विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी की। विकास इकोटेक जो केमिकल सेक्टर का किंग है, छोटी सी कंपनी है, आने वाले समय में केमिकल सेक्टर में तहलका मचाएगा, उसके बारे में समय समय पर हमारे चैनल पर बात होते रहती है इस कंपनी को लेकर, क्योंकि बहुत से रिटेल निवेशकों का इसमें पैसा लगा हुआ है, इवन मेरा भी पैसा। तो चलिए समझते हैं कि ये स्टॉक जो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, कब कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा ताकि इसमें ब्रेकआउट हो। और बहुत से लोग को ऐसा लग रहा है कि इसमें ब्रेक डाउन होगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, काम के बिहार पे हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो कंपनी है ये स्पेशलिटी केमिकल, यानी कि सिर्फ केमिकल सेक्टर पे ही इसका मेजर ध्यान होता है, केमिकल सेक्टर में ही कंपनी कामकाज करती है। और आपको पता है कि केमिकल सेक्टर आजकल ज़्यादा डिमांड में इसलिए क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे खाने पीने से लेकर नहाने धोने तक, जिसमें केमिकल का यूज न किया जाता। केमिकल काफ़ी ज़रूरी कंपाउंड है आजकल के हमारे लाइफ के हिस्सा के लिए। इसलिए जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये कंपनी इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से, क्योंकि पैसा तो इसी में बनेगा जिसका डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगा। अब चलिए थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखते हैं कि फंडामेंटली कंपनी कितना स्ट्रांग है। तो मार्केट के जब देखते हैं तो 437 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन छोटी कंपनी में भी थोड़ी हाई लेवल की कंपनी है, थोड़ा सा दमखम है। कंपनी का जो पीई है 55 के आसपास है। पीई तो छोटी कंपनियों का महंगा होता ही है, लेकिन शेयर प्राइस देखेंगे जो 3.24 रुपये के आसपास है। और जब चार्ट पर देखेंगे कहाँ पे इसको उठाना है, मतलब नए व्यक्ति को कहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, तो आपको ओवरऑल सस्ता ही पड़ेगा। बुक वैल्यू से भी कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है, ये बढ़िया बात है। यानी कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओसी है वह भी देखेंगे तो 4% और 6% के आसपास है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में तकरीबन 4% का रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल को हम समझें तो फंडामेंटल भी काफ़ी बढ़िया है। और क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे शानदार ही आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट पर भी आऊँगा तो आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तो जब कंपनी के काम और जब कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया है और काम ऐसा है कि जिसका डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी बेहतर है। अब चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पर और चार्ट पर समझते हैं कि एक साल के चार्ट पर समझते हैं कि कंपनी में अभी क्या चल रहा है, नए और पुराने व्यक्ति को इसमें क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखेंगे अभी हम एक साल के चार्ट पर आए हैं और एक साल के चार्ट पर देखेंगे तो ये जो रेंज है कंपनी का, देखिए 3.5 रुपये से लेके और तकरीबन ये 3 रुपये का लेवल, इसमें काफ़ी दिनों तक ये स्टॉक कंसोलिडेट किया है और उस कंसोलिडेशन से जैसे बाहर निकला इस साल सितंबर मंथ में तो ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद 4.5 रुपये तक स्टॉक का प्राइस गया अभी, लेकिन चूंकि छोटी कंपनी है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है, जिस वजह से प्राइस फिर घूम फिर के नीचे आया। हालांकि उम्मीद था कि इस बार ये जो 3.5 रुपये का लेवल है उससे लेकर 4 रुपये के लेवल, इसके बीच में स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, लेकिन कुछ दिन तो कंसोलिडेट किया भी इसमें, क्योंकि इससे एक स्टेप ये ऊपर है और जाहिर सी बात है जब ब्रेकआउट हुआ है तो एक स्टेप ऊपर ही इसको कंसोलिडेट करना चाहिए, यदि करना चाहिए था तो। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पर फिर प्राइस टूटकर नीचे आ गया और फिर से इसी रेंज में आ गया और इसी रेंज में देखेंगे तो आकर फिर से अब कंसोलिडेट करने के लिए तैयारी कर रहा है। हालांकि आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो स्टॉक का प्राइस है जो नीचे आया है 3 रुपये के लेवल के पास, इसमें कंसोलिडेट करने वाली कोई बात नहीं, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है जिस वजह से प्राइस नीचे आया है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे क्योंकि एक मेजर सपोर्ट है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेकर फिर प्राइस यहाँ से ऊपर उठेगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, प्राइस सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो डब्ल्यू टाइप वाई फॉर्मेशन बना है, यानी कि फंडामेंटल जब मजबूत है और कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट हर क्वार्टर में लगभग बेहतर आ रहे हैं तो इसमें ब्रेक डाउन नहीं होगा, यहाँ पर आगे सपोर्ट लेगा और फिर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर उठेगा। तो जो नए व्यक्ति रहेंगे वो 4 रुपये के आसपास से जब प्राइस ऊपर उठने लगे, थोड़ा सा भले महंगा मिले लेकिन पूरी कन्फर्मेशन के साथ उठाएंगे तो आपको मतलब पैसा के नुकसान होने का डर नहीं रहेगा। 4 रुपये के आसपास आप नया इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि अभी भी इस चार्ट में पोटेंशियल बना हुआ है, प्राइस 3 रुपये को तोड़ के नीचे नहीं जाएगा, आप यकीन मानिए। तो यदि क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है, देखिए पिछले क्वार्टर में 57 लाख के आसपास था, जो इसको सितंबर क्वार्टर में बढ़कर 60 लाख के आसपास हुआ है। हालांकि पिछले जो 3 क्वार्टर के मुकाबले देखें थोड़ा बहुत कमजोर चल रहा है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन आने वाले क्वार्टर में फिर से ये कंपनी का जो सेल्स है 3 डिजिट में आपको जाते हुए दिखेगा। हालांकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वह देखेंगे तो इस दौरान जिस दौरान सेल्स काफ़ी ज़्यादा रहा उसी के मुकाबले कंपनी का सेल्स अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अभी भी बना हुआ है, भले ही सेल्स में थोड़ी सी कमी आई है। ये दर्शाता है कि स्टॉक में, स्टॉक के फंडामेंटल में, स्टॉक जो काम करता है उसमें पोटेंशियल है और उसके दमखम पर आने वाले समय में तहलका मचा सकता है, आने वाले समय में इसमें तेजी बनेगी। उम्मीद करता हूँ विकास इकोटेक के बारे में जो जानकारी मैंने दी आपको दी, आप उससे सहमत होंगे, आपको पसंद आई होगी, जानकारी समझ में आई होगी।
कोई भी सवाल होगा कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।